फास्ट क्रिकेट के नाम से पहचान बना चुके आईपीएल क्रिकेट मैच क्रिकेट प्रेमियों के साथ सटोरियों के लिए भी खास बन गया है। कई सटोरियों ने इसे कमाई का जरिया बनाने के लिए तरह तरह से एक सट्टा कारोबार शुरू कर दिया है। ऐसे ही ऑनलाइन ऐप के जरिए राजस्थान और दिल्ली के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर लाखों रुपए दावा लगवा रहे सट्टेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया, ग्राम गोपालपुरा में याकूब खान पिता रहीम खान अपने मोबाइल से रुपये पैसे से हार जीत का दाव लगाकर आईपीएल का सट्टा चला रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। यहां हनुमान मंदिर के सामने खड़े ट्रैक्टर की आड़ में मुखबिर के बताए हुलिये का एक व्यक्ति अपने एक अन्य साथी के साथ मोबाइल चलाता दिखा तथा जीत हार के दाव की मोबाइल पर बात करता दिखा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। परसों जो दिल्ली राजस्थान के मैच था, जैतापुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी, गोपालपुरा के पास में दो व्यक्ति जो हैं ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कर रहे हैं। सूचना के आधार पर दर्ज किया और उनको पकड़ा है। तो एक याकूब नामक व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ, उसके पास दो मोबाइल और एक आरोपी रजब वो वहाँ से फरार हो गया। उसका मोबाइल, तीन मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं और करीब 5 लाख रुपये का हिसाब किताब उन मोबाइल में पाया गया। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं। एक ऐप के थ्रू ये जो है ये क्रिकेट सट्टा संचालित करते हैं। इसमें एक व्यक्ति परवानी का भी है जो उसको उसके टच में था, उनको ये सट्टा वगैरह करते थे, तो उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। सर, इसमें कोई बहुत बड़ा ग्रुप शामिल हो सकता है ऑनलाइन सट्टे का? इसमें हम योजना कर रहे हैं और अभी जो यहाँ से बड़वानी का व्यक्ति जो इसके बारे में बताया गया उससे भी गिरफ्तार जब करेंगे तो फिर उससे पूछताछ करके हम आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम आपको बताते हैं। दो दिन पहले कुछ लोगों द्वारा कुछ मार्ग अवरुद्ध करके और फिर एक रैली के रूप में जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा था। चूँकि रोड अवरुद्ध किया गया था, इस पर से भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एक अपराध पंजीकरण किया गया। 6 उसमें नामजद है और कुछ अज्ञात लोग जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एक महिला डॉक्टर भी है? हाँ, ज्ञात हुआ है कि उसमें से एक प्रदर्शनकारी जो है शासकीय सेवा है, तो उसके विरुद्ध जो है प्रतिबंधन संबंधित विभाग के मुद्दे को दिया जाए। किस प्रकार से सर इसमें कार्रवाई होगी? सर, भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीकृत हुआ तो उसके विधि अनुसार कार्रवाई होगी और चूंकि शासकीय सेवा थी तो उसमें जो भी सिविल सर्विस रूल से इसके अंतर्गत कार्रवाई करने के संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। सर, धारा 144 भी लगा दी गई, क्या रहेगा अभी जो संवेदनशीलता है और स्थिति को देखते हुए 2 महीने के लिए 10 जुलाई तक के लिए एक आदेश पारित हुआ जिसमें किसी भी राजनीतिक धार्मिक जुलूस जैसे या फिर रैली प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंधित किया गया कि बिना अनुमति के ये प्रदर्शन न हो, इस संबंध में आदेश पारित किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।